फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइलिंग का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने रिंग मशीन है और रिंग मशीन अपना जो डिलर है स्वयं सेट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मशीन अपना काम स्वयं करती है। देख सकते हैं, जैसे आपने इसका ड्रिल पड़ा हुआ था, स्वयं से इसमें एक क्रेन सिस्टम होता है, उससे इसको खींच के इसके पास लाया जाता है। उसके बाद ऐसे देख सकते हैं और इसको सेट कर लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्परों के माध्यम से उसको नट बोल्ट द्वारा सेट कर दिया जा रहा है। इससे एक मशीन तैयार हो जाएगा। पहले तो ड्रिल करेगा और इसके लगभग कम से कम 5 से 10 मीटर तक इसको ड्रिल करेगा। फिर इसको ऊपर केचिंग पंच कर देगा। केचिंग पंच करके हम देख लेंगे इसको कि इसका जो केचिंग है सीधा है कि नहीं है। यहाँ पे पहले पाइल पॉइंट दे दिया जाता है और उसका रेफरेंस निकाल लिया जाता है और उसके एरिया में वहाँ पे इसको ड्रिल करके केसिंग पंच कर दिया जाता है। इसके बाद होती है पाइलिंग। पाइलिंग करीब यहाँ पे 80 से 100 मीटर तक होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रिंग मशीन है। यहाँ रात हो गया है, रात होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लगभग 7 से 8 बज रहे हैं, ये ठंडी का टाइम है, इस कारण से यहाँ रात हो चुकी है। यहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज। देख सकते हैं जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे इसका पाइल पॉइंट दिया गया है। इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे इसका ड्रिल किया जाएगा। फिर इसके बाद आगे एक क्रेसिंग रखा हुआ है, वहाँ तक लाइट नहीं जा पा रहा है, इस कारण केसिंग आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे केसिंग रखा हुआ है, ड्रिल करने के बाद केसिंग उठाया जाएगा। देख सकते हैं सामने केसिंग पड़ा हुआ है, उसको खिसका के ऐसे ही उठा के इसमें केसिंग सेट कर लिया जाएगा और फिर केसिंग को पंच कर दिया जाएगा। केसिंग लगभग 8 से 10 मीटर तक पंच करने के बाद उसके अंदर की पूरी मिट्टी निकाल के बाहर कर दी जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज, जिसके लिए यहाँ पे पाइलिंग हो रही है। पाइलिंग के ऊपर बनेगा पाइल कैप, पाइल कैप के ऊपर बनेगा पियर, पियर के ऊपर बनेगा पियर कैप, पियर कैप के ऊपर डेक स्लैप लगेगा और उसके ऊपर बनाया जाएगा ट्रैक बनाया जाएगा। फ्रेंड, ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाना है 2024 तक। फ्रेंड, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है, इसे कुछ मिट्टी बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। यहाँ पे ड्रिल चालू हो गया है। किसी दिन हम आपको दिन में पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि एक पियर कैप कैसे तैयार होता है। फ्रेंड्स, अभी रात होने के कारण ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है पाएगा आपको और लाइट भी यहाँ पे कम है अभी। फ्रेंड, अब बहुत सारे वीडियो इसमें डाले गए हैं कि एक सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड, इससे बताने वाले हैं आपको कि इससे आपको भी लाभ होने वाला है, सरकार को भी लाभ होने वाला है। कैसे होने वाला है तो फ्रेंड हम बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में बन रहा है, जहाँ पे आपको रोज़गार मिल सकता है। तो ये है जो काम कर रही है L&T जियो स्ट्रक्चर कंपनी काम कर रही है, जिसका मेन क्लाइंट एयरकॉन है और जो इंडियन रेलवे के अंडर काम किया जाता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको यहाँ जॉब करनी है तो आप आ सकते हैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे।
पड़रिया में इसका मेन ऑफिस है।